हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त बिलाल हसन। और आजकल का जो दिन है, इनमें गंदम की फसल की बुवाई की जाती है, और हम पंजाबी में फीटर बोलते हैं और उर्दू में इंजन बोलते हैं, वो चलाएंगे और गंदम की बुवाई के फसल के लिए तैयारी करेंगे, और साथ को आपको सैर भी करवाते हैं। और हमारे साथ रहिए। काम अलहमदिल्ला शुरू हो गया है और इंजन चल गया है। अब देखते हैं 1.5 एकड़ है, पूरे दिन में निकलता है या नहीं। तो बहुत मुश्किल है ये ज़मींदारी का काम। ये हमारे साथ इधर हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे कमाद की फसल है, शुगर केन भी से इंग्लिश में बोलते हैं। और ये हमारे साथ ही जितने काम कर रहे हैं उधर, ये धान की फसल है, धान मुंजी। हमने तकरीबन 10:30 बजे काम शुरू किया है, तो 1.5 एकड़ है, देखते हैं शाम तक निकलता है कि नहीं। अगर निकल जाता है तो इंजन ठीक रहा, चलता रहा, तो मेरे इंशाल्लाह निकल जाएगा शाम तक, देखते हैं क्या होता है। फिल्मों और गानों में जट का पुत बनना बहुत आसान है मेरे ख्याल में, तो जब हकीकत में जट का पुत बने तो नवंबर में पसीना छूट जाता है। तो अगर काम शुरू करें तो फिर असल जट का पुत बनना चाहिए। रियलिटी में बहुत मुश्किल है जट का पुत बनना। नवंबर में पसीना आ सकता है तो आगे आप दिसंबर में भी, जनवरी में भी आ जाता है जब ये काम करना पड़ता है। तो बहुत मुश्किल है ये ज़मींदारी का काम। ये कीकर का दरख्त है, कीकर बोलते हैं इसको। तो हमारे पुराने बुज़ुर्ग कहते हैं कि अगर कीकर के ये आगे वाला हिस्सा खाएंगे जो अभी भी नया निकल रहा होता है, तो जितना पुराना ज़ुकाम होता है इससे ख़त्म हो जाता है। तो ये शुरू खाने में कड़वा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये मीठा हो जाता है। ऊपर से अगर पानी पिए तो बहुत मज़ा आता है इससे। जिधर मैं काम कर रहा हूँ और ये साथ में धान की फसल है यानी चावल, ये अभी पक चुकी है, सुपर है, ये सुपर बासमती चावल हमने सुना है, सुपर बासमती चावल हैं ये तकरीबन 8-10 दिन बाद काश्त हो जाएगी। और ये सबज़ जो आप देख रहे हैं ये साग है, जो हम साग पकाते हैं खाते हैं वो इधर से ही लेकर पकाते रखाते हैं। दिस इज़ अ देसी टूथ ब्रश। अगर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक बे मिसवाक करना, तो इसके दांत साफ़ होने का तरीका ये है कि आप दांत साफ़ करें इसे
कुली कार के बाद धान तो पे हाथ लगे तो कुछ कुछ की आवाज़ आती है, कुछ कुछ, इससे पता चल जाता है कि आपके धान साफ हो गए। अभी 3 बजे का टाइम हुआ है और सरकार धान होने वाला है, तो अभी टी ब्रेक हुआ है, चाय आया, सुबह से लगे हुए काम पे, तो छोटे छोटे दिन हैं, तो चाय का टाइम हुआ, अभी चाय पियेंगे, फिर टी बकिया काम आधा हो गया है। तकरीबन 6:30 का टाइम हो गया, 10 बजे का लगा हूँ काम पे, तो अभी ख़त्म हुआ है काम, तो हाथों पे छाले पड़ गए, बहुत ही मुश्किल था आज का दिन, तो काम भी मुश्किल था, दिन भी मुश्किल था, भाई बहुत मुश्किल से कटा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ ना सर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, अल्लाह हाफ़िज़ ना सर।